जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में चोरी की वारदात हुई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी जब दुकान मालिक और पुलिस ने देखा तो दोनों ही हैरान रह गए। पता चला कि 2 से 3 औरतें करीब 3 लाख रुपए का माल चोरी करके ले गईं। बाद में पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और अब जांच शुरू कर दी गई है। एक साथ 2 दुकानों में चोरी की गई और दोनों से लाखों रुपए का माल पार कर दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि कहने को तो मानसरोवर पॉश कॉलोनी है, लेकिन आसपास खाली जगहों पर खानाबदोश लोग रह रहे हैं और मौका पाकर वही लोग हाथ साफ कर जाते हैं। इस पूरी घटना के बारे में धर्मनगर ग्राम बद्रावास निवासी विवेक गुप्ता ने केस दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि विवेक गुप्ता का बात शोरूम है, जहां पर लग्जरी बात फिटिंग मिलती है। शोरूम के नजदीक ही गोदाम भी है। 25 अप्रैल को सवेरे 10 बजे जब शोरूम आए तो पता चला कि ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर देखा तो पता चला कि काफी सामान बिखरा हुआ है और काफी सामान स्टॉक से चोरी हो गया है, जिस पर पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि 2 महिलाएं पहले मेरे पड़ोसी के शोरूम का ताला तोड़कर अंदर घुसती हैं, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। वह मेरे शोरूम का ताला तोड़कर अंदर घुस गई और मेरा सामान 8 डायवेटर, 3 वायर डंबल, एसी की कॉपर वायर, जिनकी कीमत लगभग 2.50 लाख रुपए है, चोरी हो गया है। मानसरोवर थाना पुलिस ने बताया कि नारायण विहार इलाके में कई अच्छी अवैध बस्तियां हैं, जिसमें इस तरह की महिलाएं चोरी की वारदात किया करती हैं। समय समय पर उन्हें सर्च भी किया जाता है। विवेक गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर आगे क्या अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द से जल्द महिलाओं को पकड़कर चोरी किया गया माल बरामद करने का भरपूर प्रयास पुलिस कर रही है। रिपोर्ट, जयपुर।